हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त है सबसे बड़े इलेक्शन शो आपकी बार किसकी सरकार का। नजर रहती है यूपी और पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। बिना देर की आज की तीन बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि पहली बड़ी खबर आज यूपी उत्तराखंड चुनाव पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा विस्फोटक बयान है। राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी उत्तराखंड चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाएगी। और राकेश टिकैत ने यह आरोप मौजूदा केंद्र सरकार और आरएसएस पर लगाया है। राकेश टिकैत के बयान ने सियासत कैसे बढ़ा दी है, सियासत गर्मी कैसे बढ़ चुकी है, पूरा बयान और पूरी खबर आपको मैं बताऊंगी अब से थोड़ी ही देर बाद। साथ ही दूसरी बड़ी खबर, आज दूसरी बड़ी खबर है फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार पर किस तरीके से पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले ओवैसी ने सवाल उठाए और अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार का घेराव किया है। एक बुखार पॉलिटिकल फीवर कैसे बन गया है, डिटेल होगी अब से थोड़ी देर में आपके सामने। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, सिद्धू कैप्टन में सुलह कराने पहुंचे कांग्रेस के सरपंच हरीश रावत पंच प्यारे पर बयान देकर कैसे फंस गए, और अब इस पर जबरदस्त पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। पूरी खबर आपको मैं बताऊंगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। 2022 में किसकी सरकार बनेगी इस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन सरकार कैसे बनेगी उसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का एक विस्फोटक बयान सामने आया है। सिरसा में राकेश टिकैत ने कहा 26 जनवरी आंदोलन के बाद सरकार की खतरनाक रणनीति थी, किसान आंदोलन में हजारों लोगों को मारने का प्लान था, सरकार चाहती थी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सिख हो। ये भी कहा है कि चुनाव से पहले ये किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, आरएसएस के लोग हत्या करवाएंगे, फिर हिंदू मुस्लिम कर चुनाव जीतने की भी कोशिश होगी। ये उनका पूरी रणनीति थी 26 तारीख के बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें इनकी रणनीति थी कि आंदोलन को हम हटाए तो आंदोलन में हजारों लोग उसे आंदोलन में मरे जाएंगे। ये फीडबैक सरकारों के थे, सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, कुछ करना जो हिंदुओं की बात करते हैं ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे, ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के चुनाव चाहते हैं। राकेश टिकैत के बयान के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में बड़ी हलचल मच सकती है, और यूपी में एक और मुद्दे को लेकर बड़ी सियासी गहमागहमी है। यूपी में फीवर पर हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। फिरोजाबाद में बुखार से हुई बच्चों की मौत से यूपी का सियासी टेम्परेचर भी अब बढ़ गया है। मसला कितना गंभीर है आपको समझने के लिए ये डेटा देखना जरूरी है, और यही डेटा योगी सरकार पर सवाल कैसे उठा रहा है, यूपी सरकार के हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है, और इस वक्त सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है। अब आंकड़े आपके सामने हैं, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 10 से 15 दिन से लेकर आज तक का ये डेटा हमारे सामने है, जहां पर हमने देखा कि बुखार से बच्चों की मौत हो चुकी है, वायरल और डेंगू कहां जा रहा है, लेकिन इस पर भी अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। और डेटा हम आपको उस हिसाब से भी यहां पर दिखा रहे हैं, क्योंकि फिरोजाबाद के केसेस की बात करें तो यहां पर 10 दिन में 41 की मौत हो चुकी है, जिसमें 36 बच्चे और 5 वयस्क बताए जा रहे हैं। कुल 240 मरीज भर्ती हो चुके हैं। फिरोजाबाद के बाद आपके सामने मैं आंकड़े रखूंगी मथुरा के, क्योंकि मथुरा में भी 15 दिन में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और कोह जचोदा में ये कहर बरप रहा है, 70% लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मैनपुरी की डिटेल भी आपके सामने, जहां पर 350 बच्चों की बुखार की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और रोजाना बुखार के केसेस अब बढ़ते भी जा रहे हैं। इसके अलावा आगरा, एटा, कासगंज, ये वो जगह है जहां पर बच्चों में बुखार की शिकायत सामने आ रही है, और रोजाना बच्चों से ओपीडी भी फुल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सहारनपुर, यहां पर बच्चों में बुखार की शिकायतें रोजाना मिल रही हैं, 100 से 200 बच्चे एडमिट हो रहे हैं। कानपुर में भी हम देख रहे हैं कि हेलेट हॉस्पिटल में बेड फुल हो चुके हैं, एक एक बेड पर दो दो बच्चों का इलाज हो रहा है, 196 बच्चे अभी तक अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। तो 2022 में विधानसभा चुनाव है और योगी सरकार
पर अब सवाल उठ रहे हैं। बुखार से बच्चों की मौत पर पॉलिटिक्स की एंट्री हैदराबाद वाले भाईजान ने की है, क्योंकि यूपी में सियासत में ओवैसी इस बार जोरदार एंट्री की प्लानिंग में है और यही वजह है कि कैसे अपनी मौजूदगी वो दर्ज करना चाह रहे हैं, इसका मौका वो नहीं चूकते। ओवैसी को सियासत कैसी करनी है अच्छी तरह से ये पता है, इसलिए फिरोजाबाद में फीवर से हो रही बच्चों की मौत और फिरोजाबाद के नाम बदलने की कोशिश, दोनों मुद्दों को उठाकर योगी पर प्रहार कर रहे हैं। उन्हीं के एमएलए ने फिरोजाबाद है या कुछ इलाका है वहां पर 34 बच्चे मर गए, 34 बच्चे मर गए, नाम बदलने से करने से बच्चों की जान बच रही क्या? हर साल 800-900 बच्चे एनसेफेलाइटिस से मर रहे हैं, आप ये बैन कर देंगे? अरे वो दवाएं तो पहुंचो, बच्चों के मौत को तो रोको आप। इनकी प्रायोरिटी जो है सिर्फ बैन लगाना, नाम चेंज करना, इंसान की जान बचाना योगी की जिम्मेदारी नहीं है। छोटे बच्चे मर रहे उनकी जान नहीं बचाना चाह रहे आप, तो ये इनकी प्रायोरिटी, पॉलिटिकल प्रायोरिटी। अब यहाँ ओवैसी की पॉलिटिक्स को ही समझने की जरूरत है, क्योंकि ओवैसी वही बात बोलते हैं जिससे उनका काम बन जाए और उनके अपने वोटर्स तक बात पहुंच जाए। ओवैसी ने फिरोजाबाद में बच्चों की मौत और नाम बदलने दोनों का ही यूज वैसे ही किया। उन्होंने ये बात नहीं बताई कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले ही फिरोजाबाद का दौरा किया और रहस्यमय बुखार से निपटने के लिए जरूरी निर्देश भी जारी किए। योगी सरकार बुखार को लेकर कैसे एक्शन मोड में है उसे हम बताएंगे, लेकिन बच्चों के बुखार पर अखिलेश यादव का भी पॉलिटिकल बयान है। योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं और नसीहत भी दी है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को प्रचार में लीन सरकार बताया और नींद से जागने को भी कहा है, बुखार की रोकथाम के लिए कुछ बड़ा करने की नसीहत दे दी है। अब ये हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें इस पूरे मामले को लेकर कैसे योगी सरकार को नसीहत दी जा रही है और अखिलेश यादव की तरफ से ये साफ तौर पर कहा है कि गांव में फैल रहे खतरनाक जानलेवा बुखार से प्रभावित होने वाले बच्चों और बड़ों के लिए स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब जो बुखार 2022 चुनाव का एक मुद्दा बन रहा है, वो बुखार आखिर है क्या? पॉलिटिकल विश्लेषण से ज्यादा जरूरी आपको इस खतरनाक बुखार की भयावहता के बारे में भी बात जानना है और आखिर ये बुखार बच्चों की जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है और अब आपको इसे सीरियस लेने की जरूरत क्यों है समझ लीजिए, क्योंकि फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, एटा ये वो जगहें जहां पर बच्चों में रहस्यमय बुखार फैल चुका है। उससे पहले बच्चों को यहां वायरल फीवर की बात कही जा रही थी, हालांकि कुछ बच्चों में डेंगू जैसे लक्षण भी नजर आ रहे थे। प्लेटलेट्स में भारी कमी हो रही थी और बच्चों को बुखार के साथ साथ उल्टी, दस्त भी हो रहे थे। 3 से 4 दिन में ही बच्चों की ज्यादा तबीयत बिगड़ रही थी। तो क्या क्या लक्षण बच्चों में सामने आ रहे थे ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद से शुरू हुए इस खतरनाक बुखार को लेकर अब सियासत कैसे जोरों पर है ये भी आप जान रहे हैं। योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। योगी सरकार ने फिरोजाबाद के सीएमओ को ट्रांसफर कर दिया है और साथ ही सीएमओ को हटाने के आदेश के साथ साथ 11 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम को भेजने का भी आदेश दिया गया है। आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम फिरोजाबाद पहुंचकर सैंपल्स की जांच करेगी और जांच में ये जानेगी कि आखिर कोविड का प्रभाव तो नहीं है। हालांकि राहत भरी खबर यही है कि अभी तक इसे कोविड का प्रभाव नहीं बताया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण निकायों को क्षेत्र में साफ सफाई करने के भी सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और मेडिकल कॉलेजेस में विशेष डॉक्टर्स की टीम भेजने के आदेश हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी आदेश दिया गया है कि भर्ती हुए बच्चों का मुफ्त इलाज हो। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे नजर रखने का भी आदेश दिया गया है। साथ ही सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस में बेड बढ़ाने के आदेश और जिलों में बढ़ते वायरल बुखार को देखते हुए 7 तारीख से 16 सितंबर तक यूपी में सर्विलांस कार्यक्रम चलाने का भी आदेश दिया गया, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी पूरे यूपी में घर घर जाएंगे, बुखार और कोविड लक्षण वालों की पहचान भी करेंगे। फिरोजाबाद में यह भी बता दें कि 6 सितंबर तक स्कूल्स भी अभी बंद करने का आदेश दिया गया है। पंच प्यारे बोलकर कैसे फंसे पंजाब कांग्रेस प्रभारी, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एक कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। पंजाब प्रभारी हरीश रावत सरपंच बनकर सिद्धू और कैप्टन का झगड़ा सुलझाने आए थे, लेकिन अब पंजाब कांग्रेस के पांचों अध्यक्षों की तुलना पंच प्यारों से करके अपने ही विवाद को सुलझाने में परेशान है। हरीश रावत ने सिद्धू और चारों कार्यकारी अध्यक्ष को पंच प्यारे कहकर कांग्रेस के लिए नई आफत मोल ले ली और इस मुद्दे की सीरियसनेस इससे समझ सकते हैं कि अब तक जो अकाली दल बेअदबी मामले पर बैकफुट पर जा चुका था, अब वो सिख धर्म के अपमान को लेकर फ्रंट फुट पर खड़ा हो गया है। मामले की नजाकत को समझते हुए हरीश रावत ने माफी मांगी, माफी और प्रायश्चित सब कुछ करने को वो तैयार हैं। हरीश रावत की पहले सफाई सुनिए और फिर इस पर हो रही सियासत की बात करेंगे।
मैंने तो एक सम्मानजनक उद्बोधन समझ करके वो शब्द कहा था, फिर भी मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी का भी दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने अपना अपने शब्द वापस लिए और मैं प्रायश्चित स्वरूप अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में झाड़ू लगा करके प्रायश्चित भी करूंगा। लेकिन अकाली दल के दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पर के जरा सा भैंस देखें, हमारे जुए कहाँ खोजने चल रहे हैं। उन्होंने पंज प्यारों के भक्तों के ऊपर, उनका अनुसरण करने वाले लोगों के ऊपर गोली चलाई, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। सर हम तो आदर करते हैं। हरीश रावत को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको समझने के लिए पहले हरीश रावत के उस बयान को सुनिए और फिर अकाली दल के बयान को। आप समझ जाएंगे कि पंजाब में सिद्धू कैप्टन विवाद के बीच कांग्रेस के लिए यह नया विवाद कितना गंभीर है। संगठन का ढांचा बनना है, विराम का बंटवारा होना है और संगठन का ढांचा नीचे तक बनना है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव की दस्तक नज़दीक है, तो चुनाव को लेकर के भी कुछ कमेटियाँ आदि बननी है। तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल सीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम और हमारे पंच प्यारे हैं जो पाँच लोग, तो उनसे कोई राय परामर्श कर। एक उन मजाक दी है, गला नहीं है, इन्हों खुश करने वास्ते इस तरह के तखलस यूज करने, ये सिखा दावनावों के नाल बहुत व्डा करवाड़। थोड़ा तुरंत अपने लफ्ज वापस लेने चाहिए और सारी सिखों को माफ़ी मंगनी चाहिए। अकाली दल ही नहीं, बीजेपी के सिख मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी रावत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके लिखा कि सिख इतिहास और आस्था के प्रति कांग्रेस पार्टी की पूर्ण अज्ञानता को दर्शाते हैं। मैं इस बेअदबी की सख्त से सख्त निंदा करता हूं। चुनाव की 40 खबरें अभी और बाकी हैं, जब लौटेंगे ब्रेक के बाद। शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।